हामूखेड़ी में रहने वाली युवती मोनिका पिता राजू सीओ 18 वर्ष सुबह 8 बजे अपने पिता के साथ एक्टिवा में पेट्रोल डलवाने पंप पर गई, जहां से लौटते समय तेज रफ्तार डंपर ने उसके वाहन को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे वह गिरकर डंपर के पहिए में आ गई। दुर्घटना में युवती के सिर से डंपर का पहिया निकल गया, जिससे मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई। लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी, तब तक डंपर चालक मौके से भाग निकला। पुलिस ने डंपर को थाने में खड़ा करवाया और मोनिका के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। बीएससी नर्सिंग के सत्र 2020-21 की मुख्य परीक्षा अभी तक भी आयोजित नहीं की गई है। सत्र 2021-22 के भी 6 माह गुजर चुके हैं। नतीजतन बीएससी नर्सिंग प्रथम वर्ष के विद्यार्थी अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। परीक्षा जल्द आयोजित कराने की मांग को लेकर सोमवार सुबह बड़ी संख्या में नर्सिंग स्टूडेंट्स कलेक्टर के निवास पर पहुंच गए। कलेक्टर निवास के बाहर खड़े स्टूडेंट्स के अनुसार एक वर्ष से उनकी परीक्षा बगैर कोई कारण बताए आयोजित नहीं की जा रही है। विभाग के अधिकारी भी इसका उचित कारण नहीं बता रहे हैं। सर, हमारी मांगे कुछ नहीं है, हमारी एग्जाम वन ईयर में, हम 2021 के बेंच के स्टूडेंट हैं, हमारी एग्जाम वन ईयर में ही हो जानी चाहिए थी, जो 3 ईयर हमको फर्स्ट ईयर में हो चुके हैं, और यूनिवर्सिटी का है कि 4 ईयर में हमारा कोर्स कंप्लीट होना चाहिए, पर फर्स्ट ईयर में ही 3 ईयर हो चुके हैं, तो इस तरह से हमारी 4th ईयर में हमारा कौन सा कोर्स कंप्लीट होगा। और यूनिवर्सिटी में हमारी एग्जाम निकाली थी पर प्रमोट कर दिया इस तरीके से, उसको मतलब पोस्टपोन कर दिया इस तरीके से, तो बच्चों का करियर ही ये है ना। तो ठीक है, कॉलेजेस, सारे कॉलेजेस में यही प्रॉब्लम है। और सर, अगर 4 साल तक अगर हम ऐसे ही घिसटाते रहेंगे तो हमारा तो पूरा करियर ही बर्बाद है सर। आगे की भी सोचनी पड़ती है हमारे, जो सर फाइनेंशियल कंडीशन किसी की खराब होती है, कोई ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे यहाँ पर रूम लेके रहते हैं, अगर हम लोग ऐसे ही रहते रहेंगे तो जॉब कब करेंगे, घर वालों का सपोर्ट कब करेंगे। हम पढ़ इसलिए रहते हैं कि घर वालों का सपोर्ट कर सके, और घर वालों का सपोर्ट ही नहीं कर पाएंगे तो हम किस काम के फिर। और ऐसे यहाँ पर पढ़े और ऊपर से इतने फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने के बावजूद भी हम यहाँ पर रेंट देते रूम का, और कोई कैसे क्या आना जाना करते, कोई अप डाउन करता है, रेंट देना, ऊपर से फीस भी भरते, ऊपर से जितना भी खर्चा होता है कॉलेज का, जितने टाइम बढ़ेगा उतना खर्चा भी होगा सर। भाकल मंदिर परिसर में तैनात 2 महिला सुरक्षा कर्मियों का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें दोनों फिल्मी गाने पर डांस करते हुए दिखाई दे रही हैं। मंदिर समिति ने सख्ती दिखाते हुए दोनों कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है। ये दोनों सुरक्षा कर्मचारी निजी कंपनी में सेवा दे रही थी। घटना के बाद सुरक्षा कर्मियों के एंड्रॉइड मोबाइल रखने पर पाबंदी लगा दी है, उन्हें कीपैड वाले मोबाइल ही रखने होंगे। महितपुर में 16 नवंबर को पूजा पति दीपक प्रजापत ने आत्महत्या कर ली थी। उसी को लेकर पूजा के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर आरोप लगाते हुए उज्जैन आईजी के नाम ज्ञापन दिया है। पूजा के परिजनों ने जानकारी देते हुए बताया कि पूजा के ससुराल वाले आए दिन परेशान करते थे, और उसके बड़े ससुर जेठ जेठानी व पति दीपक आए दिन उसके साथ मारपीट भी करते थे। 16 नवंबर के दिन जब पूजा की मौत हुई, उसके ससुराल वालों ने हमें जानकारी तक नहीं दी, जिसकी जानकारी हमें उनके पड़ोसियों से लगी। जब हम वहाँ पहुँचे तो उन लोगों ने पूजा को देखने तक नहीं दिया। हमें पक्का यकीन है कि पूजा ने आत्महत्या नहीं की है, बल्कि उसका गला दबाकर हत्या की गई है। हमें महितपुर थाना पुलिस पर भी यकीन नहीं है, क्योंकि पुलिस वालों ने हमसे किसी भी प्रकार के कोई बयान नहीं लिए। पूजा का मोबाइल भी इन लोगों द्वारा रीसेट कर दिया गया है। हम चाहते हैं कि इस पर निष्पक्ष जांच हो और हमारी बेटी को न्याय मिले।